हाय मेरी जान, कैसे हो? अच्छे हो ना? चलो आज 4 साल पहली बातें करते हैं, है ना? आज तक नहीं की। आज दिल ने कहा तो कर ही देता हूँ, क्योंकि वैसे भी पुरानी बातों को याद करना एक फीलिंग्स के साथ में कितना अच्छा लगता है ना? चलो आज छोटा सा किस्सा सुनते हैं 4 साल पहले का। वो 4 साल पहले भी क्या दिन थे। मंडी हाउस का कोना हर रोज का वाक्य था उसका मेरे साथ होना। कई बार चाय के साथ दिल की बातें बाहर आ जाती थी, लेकिन वो पागल समझ ही नहीं पाती। मगर मेरे दिल में उसके लिए बहुत फीलिंग्स थी। कुछ कह ही नहीं पाया क्योंकि मैं स्टाइलिश नहीं था। जैसे होते हैं ना आजकल शहर में बहुत स्टाइलिश, अच्छी अच्छी घड़ियाँ पहनना, जूते पहनना, शर्ट वगैरह वगैरह, यार ऐसा मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे अंदर जो फीलिंग्स थी वो बिल्कुल लॉयल थी। ये दिखावा नहीं था, ये मेरे अंदर की बातें थी। काफी लंबा सफर ये चलता रहा, लंबा यानी 1-2 साल तक। उसके बाद हमारी क्लास बंद हो गई। उसके दूर जाने के बाद मन ही मन एहसास हुआ और वो बातें रह गई। काश मैं उससे उस वक्त कह पाता तो आज इतना दर्द ना होता और वो मुझसे बातें कर रही होती। और यार उसका नंबर भी नहीं था। बड़े इत्तेफाक की बात तो ये थी कि बातें कैसे करता। बहुत ही क्यूट, चंचल और दिमागदार थी। और हाँ, उसको कुछ कहने पर इतनी जल्दी बुरा मान जाती थी कि हाँ बस अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी और चले जाओ तुम मेरी ज़िंदगी से, और ऐसे तैसे करके, बस समझ रहे हो ना, वही वाली बातें। कई सालों बाद मैंने उसे फ़ोन लगाया। फ़ोन भी मैंने अपने दोस्त से उसका नंबर लिया था। फ़ोन लगाते ही पहले उसने मेरी डीपी को देखा और कुछ कहने से पहले ही डीपी की तारीफ करने लगी कि भाभी बहुत अच्छी है, कब बनाइए? मैंने कहा कब नहीं, वक्त खराब था और उस वक्त में ही इस इंसान की एंट्री हो जाती है, वक्त अच्छा हो गया। तो मैंने भी पूछ लिया, और आपका साथी कैसा है, वो वाला जो पहले था? बोली नहीं, अब नहीं है मेरा कोई भी, वो चला गया छोड़ के। इस बात को सुनकर मुझे दुख नहीं हुआ। अक्सर सभी की लाइफ में कोई ना कोई छोड़कर ही जाता है ना, ये कॉमन सी बातें हो चुकी हैं। और कई की लाइफ में तो ऐसा होता है कि एक नहीं जाता छोड़ के, बहुत सारे लोग जाते हैं। फिर उसने कहा अब नहीं बनाऊंगी। तो मैं सोचने लगा, ब्रेकअप के बाद हम बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना नहीं चाहते या फिर विश्वास नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। हम खुद ही नहीं चाहते। किसी के चले जाने से ऐसा नहीं होता कि कोई और हमें उससे अच्छा नहीं मिलेगा। बस हम पहले की तरह नहीं रहते, कुछ बदलाव आ जाते हैं जो पुरानी बातों को याद दिलाते हैं। इसलिए वो वक्त और बातें हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते। ऐसा नहीं कि कोई मिल नहीं पाता, बस हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। और ये जिंदगी है, पता है, ब्रेकअप के बाद ही शायद आपको बहुत अच्छा इंसान मिले। ये जरूरी नहीं होता कि ब्रेकअप हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, सामने वाला भी ऐसा होगा। नहीं यार, सबकी फीलिंग्स, सबकी बातें, सबका कार्य अलग ही होता है। पता है, जिंदगी में जब ब्रेकअप के बाद इंसान मूव ऑन करता है ना, तो वो सिर्फ अपने गोल को देखता है, वो आगे बढ़ता जाता है। लेकिन प्यार के साथ भी हम उन चीजों को पूरा कर सकते हैं। अगर कोई 4 साल के बाद भी अधूरा है,
फिर मन में एक ही ख्याल आता है कि यार तू क्यों किसी के साथ है, आज भी वो अकेला है। कितनी अजीब बात है ना, वही इंसान अगर फिर दोबारा लाइफ में मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। सच कहो, बहुत खुशी मिलेगी। जिंदगी में अपने रिश्ते अपनी मर्जी से चुनते हैं, आजकल तो सभी जगह यही हो रहा है ना। हम पसंद ही अपनी करते हैं, घरवाले होते थे पहले देखने के लिए, लड़का नहीं जाता था, लड़की नहीं जाती थी, बस उन्होंने देखा, तय कर दिया और रिश्ता हो गया। लेकिन आज हम जन्मों जन्मों के रिश्ते को खुद बनाते हैं, खुद चुनते हैं, खुद उसके अंदर ही सारी खूबियां देखते हैं। और कहीं एक खूबियां उसके अंदर गलत निकल जाए तो बस उससे मूव ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं। आजकल के रिश्ते भी ना बहुत अजीब हो चुके हैं, कुछ सुन ही नहीं पाते, थोड़ी सी उनको कुछ बात बोल दो तो गुस्सा हो जाते हैं, दूसरी जगह चैट करने लग जाते हैं, फिर किसी और को देखने लग जाते हैं। क्या ये रिश्ते हैं? क्या ये वो उम्मीदें हैं जो हम एक दूसरे इंसान से रखते हैं? नहीं, ये सिर्फ एक सेल्फिश जमाना है। यहां पर इंसान फिसल जाते हैं, सेल्फ होकर फिसल जाते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी, पैसा, इज्जत, शोहरत, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन इंसानियत कहाँ है जो एक दूसरे के अंदर देखते हैं? इंसानियत तो है ही नहीं। बस इंसान को नया नया चाहिए। आजकल हर जगह यही हो रहा है, एक नया साथी चाहिए होता है कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है, बस इसको पटा लो। पटाने के बाद जब एहसास होता है कि यार बहुत बड़ी गलती कर दी, काश उस वक्त हमने ऐसा ना किया होता तो आज हमारी जिंदगी में ये ना हुआ होता। अरे पहले क्या तुम्हारी आंखें बंद थी? पहले कुछ नहीं दिखाई देता था? जब इंसान कुछ करने के लिए जाता है तो उसको पता होता है कि वो इंसान कितना गलत कर रहा है, कितना सही कर रहा है, लेकिन उसको बस वही बातें याद रहती हैं कि नहीं, यही मेरे लिए सही था, यही मेरे लिए अच्छा था। और जिसको अच्छा मिल जाता है वो सब कुछ भूल जाता है, वो किसी को याद ही नहीं करना चाहता, वो बस यही कहता है ये बहुत अजीब है, ये वैसा है, ये वैसा है। अरे कैसा है, चाहने वाला है ना, बस वही काफी है। सब मिल जाएगा लेकिन चाहने वाला आसानी से मिलता नहीं है, और जब मिल जाए ना तो उसको छोड़ना मत, वरना जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, चाहने वाला नहीं मिलेगा। और ये बातें अगर पसंद आई हैं तो कमेंट जरूर करना है और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। प्यार बनाते रहो यार, जिंदगी में प्यार है ना तो सब कुछ है, कुछ कर जाओगे, लेकिन टूटना मत बस। ओके।